लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज और मैं हूं आपके साथ मनाल खान। शिकोहाबाद में आज पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मां अंजनी पेट्रोल पंप के पास एक दिल्ली के नंबर की कार आती हुई दिखी, तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की पर वे गाड़ी भगाने लगे, तो पुलिस ने आगे बैरियर लगाकर कार को कब्जे में लिया। कार से पुलिस ने 410 दारू की बोतल बरामद की। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि ये शराब लाखों रुपए की है। अब इसमें यह पता किया जा रहा है कि ये शराब कहां और किस जगह जा रही थी और उन लोगों की भी तलाश है। बड़े बड़े शराब माफिया पर भी शराब का शिकंजा कसा जा रहा है। शराब के साथ में दो माफिया भी पकड़े गए, पंकज कुमार और सुमित। ये दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेज दिया है। तस्करी की दिशा में सिकोहाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने एक इंडिवर गाड़ी में काफ़ी करीब 410 बोतल हरियाणा मार्का शराब पकड़ी है और इसमें दो अभियुक्त भी मिले हैं। दोनों हरियाणा के ही रहने वाले हैं और इनका एक काम था कि वहां से तस्करी करके दारू ला के यहाँ पे घूम घूम कर बेचा करते थे। उनके बारे में भी पता किया जा रहा था कि कहाँ पे इनको ये दारू की खेप खपानी थी। इस तरह से बड़ी कामयाबी है और जो इस तरह से अवैध दारू की बिक्री हो रही है उस पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम। बाजारू कीमत क्या होगी इसकी? अगर ये इसका हम 410 बॉटल का बाजार में कीमत आके तो एक्साइज विभाग से इसका आकलन कराया गया था, करीब लाखों में है, 5-7 लाख रुपए की कीमत है इसकी। क्या शुरुआती जांच में पता पड़ा है कहाँ ले जा रहे थे, किसको देनी थी? अभी इसमें और लोग भी हैं इन्वॉल्व, इनके बारे में हम पता कर रहे हैं। ये तो केवल ले आने वाले थे और इनको इनका कहना था कि जब ये गाड़ी लेके आते हैं, माल लेके आते हैं, तो इनको बताया जाता है फ़ोन करके कि यहाँ पे दे देना, इसके बाद ये देते। अभी इनके पास कोई ऐसा फ़ोन आया नहीं था, ये उसी फ़ोन के इंतज़ार में थे और पुलिस ने एक सूचना पर इनको गिरफ्तार किया।